और यहां बात करेंगे आजाद कश्मीर की, जहां कानून साज असेंबली के नौ मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। नामजद वजीर आजम राजा फारूक हैदर भी असेंबली में मौजूद थे। इजलास के बाद राजा फारूक हैदर ने 24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू भी की, आइए आपको दिखाते हैं। बात यह है कि तहरीक आजादी कश्मीर तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, जान का हिस्सा है, और इस हुकूमत का क्याम ही इसीलिए है कि ये तहरीक आजादी कश्मीर का बेस कैंप है। अल्लाह के फल से हर वो मुमकिन इकदाम करेंगे जिससे हमारे भाइयों की इखलाकी, सियासी, सफारती मदद हो सके, जिसके तहत फिर वो जो चेरिश्ड हमारा गोल है, सिर्फ उनका नहीं है, मेरा भी है उसके साथ, तो हम वो हासिल कर सकें कि आप रुमानदाना जिंदगी गुजार सकें।